लो जी अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद, मैं सजादानी। आज फिर हम फैसलाबाद में नदीम कैफे पे, नदीम कैफे जो है ना ये मेरा अपना रेस्टोरेंट है, जो है यहाँ के जो ओनर है नईम साहब, नदीम साहब भाई है। जो भी मैं इतने आया ना यार, वैसे आफरीन है इन्होंने कसमे, मतलब एक बार आता, दो बार आता, तीन बार आता, चार बार आता, चलो रोटी खवाती हों ना, तुम किसी के घर मेहमान भी जाओ ना, पहली दफा बहुत अच्छी खिदमत, हफ्ते बाद फिर चल जाओ, दो चीज़ा रेसिपी चो घट जाने ने, तीजी बारी जनाब जी गोश्त मुक जाता सब्जी रह जाती, चौथी बारी जनाब सब्जी भी मुक जाती है, कल बोतल रह जाती है, पंजी बारी जो तुम चाहते थे अगले घर वाले कहते माशाला की लैके आयो, कोई मैं तो कह कोई खाने को लैके आन गए, बंदे समझ आ जाती। लेकिन ये ऐसा भाई है कैफे वाला जरा, ये मेरा ख्याल मैं हजार दफा आया शो किए हैं, कोई उन्होंने भार नहीं, हर वरी इन्नी मुहब्बत बंदा करता है, तो यदा हक बनता कि मैं ऑनियर उन्होंने एप्रीशिएट करा वो मुहब्बत में। ओए माँ चल इधला इधला, मेरी बच्ची इधला, हाँ देखो कितनी प्यारी बच्ची है ना, तुम्हें पता है कि इधर देखो नाम क्या तुम्हारा? हिना। हिना नहीं होता, हिना होता है, हिना क्या होता है, क्या हिना? हिना। यस हिना, देखो नादरीन कितनी प्यारी बच्ची है ना, जब तुमने बड़ी होना है ना, तुमने होना है ना, जब बड़ी होना है ना तुमने, बड़ी हो के 15-20-25-30 साल की हो जाना ना, जब आंटी बन जाना तुमने, तब भी तुमने ये वीडियो देखनी है जानी अंकल की, समझ आई है? यही फायदा है आजकल सोशल मीडिया का, समझ आई है? कहती आ कख नहीं रही, कहती हाँ आ रही समझ, मैंने क्या कहा है बताओ, क्या कहा है मैंने बताओ, अभी बताओ क्या कहा है, जब तुम बड़ी होगी फिर टीवी पे देखोगी, टीवी पे देखोगी कि मैं ये छोटी सी, पापा को कहोगी पापा ये मैं, पापा बताएंगे कि ये तुम छोटी सी थी, जानी अंकल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, है ना हिन्ना, फिर तुम्हें याद आएगा कि जानी अंकल कहते थे हिन्ना नहीं होता है, हिना होता है ना, गुड माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो पापा ने खिलाया कुछ, कुछ खिलाया पापा ने, खाना शाना कुछ, तो भूखी हो कुछ नहीं है? मामा पापा लड़ते होते हैं आपस में, नहीं लड़ते, लड़ाई होती है, तुमने नहीं देखा कभी लड़ाई हुई, कितने तुम्हारे भाई भी है कोई, कितने, एक भाई है, तीन, कितने भाई है तुम्हारे, एक इब्राहिम का, एक बड़ा इब्राहिम, एक नीबा, एक सलान। ओए तो बहने हैं तुम्हारी कोई, बहने तुम्हारी कोई नहीं, तुम अकेली हो, राज करोगी राज तीन भाइयों के सर पे है, है? चलो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आपकी बेटी है? जी माशाल्लाह। तीन तीन बेटे एक बेटी, माशाल्लाह। हम भी तीन भाई हैं एक बहन है, माशाल्लाह। ठीक है ना, और बहन सर ये सबसे छोटी है? जी जी जी, मेरी बहन भी सबसे छोटी है जी। ये बेटा है? जी बेटा माशाल्लाह बड़ा। अच्छा भाई किधर आए तुसी? जैसे ये खाना वगैरह खाने के लिए। ओ कौन भाई जान, ये कौन है, ओ भाई जान ये कौन है, इधर तो आए, इधर आओ, ये कौन है? बच्चा। बच्चा मैं कड़ा कह रहे हैं भी, मतलब मोटरसाइकिल पे ही है कौन है बच्चा, कौन है भांजा भतीजा पुत्र तुहाडा? जी तुहाडा भांजा? मेरा भांजा। ये तुहाडे भड़वैये ने? तुसी इहनां दे भड़वैये ने? ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੂ ਸਾਡੂ ਫਿਰ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਖਾਲੂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸੀ, ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਐ ਕਹੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੂ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਆਉਦਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਉਧਰ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਵਰਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਹਮਾਦ ਆਸਿਮ। ਹਮ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮਾਦ, ਹਮਾਦ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਹਮਾਦ ਆਸਿਮ। ਹਮਾਦ? ਹਮਾਦ ਆਸਿਮ। ਹਮਾਦ ਆਸਿਮ, ਆਪ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕੇ? ਹਮ ਖਿਆਬਾਨ ਕੇ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਐ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
जगहों पे मिल जाती है। नहीं, इतनी अच्छी उर्दू फैसलाबाद की होती है। हम माद आसिम, हम फैसलाबाद के हैं, हम मुरीद गालिब व मीर हैं मियां। पहले एक मिनट जरा उठना। उर्दू हमारी पहचान है, उर्दू ही से हम हैं और उर्दू ही की सरजमीन में दफन होंगे। भैया आप फैसलाबाद में हैं, यहाँ पे पंजाबी कल्चर है, हम पंजाबी घराने में पैदा हुए हैं और आप पंजाब के एक सबसे जो शहर है फैसलाबाद, उसके उसमें बैठ के और इस इलाके में बैठ के जहाँ पे तकरीबन सारे ही ताड़ी हैं, यानी खान साहब हैं, कोई मलक हो, कोई राणा हो, कोई शेख हो, 50% खान साहब है, वहाँ बैठ के आप इतनी शगुफ्तगी से उर्दू बोल रहे हैं, इसकी क्या वजह या साबे अमल क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है। क्या? सिर्फ एक है, क्योंकि पंजाबी कल्चर हमारा गुरूर है। यस। और उर्दू जो है हमारी पहचान है। और पंजाबी क्या है? पंजाबी गुरूर है, बताया। पंजाबी आपकी वो है अम्मी लैंग्वेज। बिल्कुल। मदर, माँ बोली। बिल्कुल। तो आप वो क्यों नहीं? और दूसरी बात ये है, ये जो होटल है ना, ये यहाँ ये जो रेस्टोरेंट है, हाँ जी, यहाँ पे आपको आवाजें नहीं आ रही साइडों पे पंजाबी, ओए फिटे मुंह मरे, और तू आ नहीं रही, तो वो असर नहीं कर रही आपको? असर करती है। आपकी पैदाइश से मुबारक जो है वो कहानी हमारे अलामा साहब ने, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, सारे दिल से ही बात कर रहे हैं तो इनकी बातें असर रखती हैं। मुझे ये नहीं, मुझे ये यकीन है अल्तमा से मुकद्दस नहीं आ रहा कि आप जो है वो हजूरे वाला फैसलाबाद की जाए पैदाइश से अमूलिया नामी है। ये मुझे कुछ यकीन महविश नहीं हो रहा। यकीन जो है ना, यकीन हमेशा बगैर किसी शय का। आपके घर में कोई आपको इस तरह आवाज देने वाला नहीं था कि वो मरे उरे आए तेरे किधर भेज गया जी? ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसको अब्बा भी कहते हैं? अब्बा जान ने कभी ऐसी बात नहीं की। वैसे अम्मा जान होती है, वे तेरा वे बेड़ा गर्क होवे इधरा, ऐसा कोई वालदा का कभी अल्फाज तहफ्फुज़ आपको मिला? ना, 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 कभी ऐसा। आपकी परवरिश जो है वो बड़ी मुस्तनस है। माशाल्लाह। तो फैसला पंजाबी आती है आपको? हाँ जी, थोड़ी जी बोल लेने ने। आ गया आ गया। तो आप ये बताएं कि पढ़े लिखे कितने हैं आप? पढ़ा लिखा जो शख्स ये अच्छा, पढ़ा नहीं होता, पढ़ा होता है। आपने आते ही मेरी उर्दू पे अरु एक सेकंड, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आया कि नहीं है इस हवाले से, मगर जब हम इल्म अरूज का मुतय्यन करते हैं, का सारा इल्म हासिल करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, द पावर ऑफ साउंड। अरूज सारा पावर ऑफ साउंड पे चढ़ते हैं, तो हमने कभी पढ़ा नहीं कहा, हमने पढ़ा कहा। बात ये है, हर मिट्टी की जरखेजी बोल दी है। माशाल्लाह। और मिट्टी का जो आपकी पहचान है ना, वो आपकी जबान में घुल मिल जाता है, उसका स्वाद मिलता है। अब जैसे ये किरकिर की बात थी, तो दिल्ली वाले लखनवी के बारे में ये बात करते थे कि ये जो लखनवी है ना, ये किरकिर बहुत करता है। अबे तू कौन सा फैसलाबादी है यार, मुझे ये तो बता। तो फैसलाबाद में मैंने इतना नफीस उर्दू बोलने वाला देखा ही कोई नहीं आज तक। भाई क्या शौक क्या है, मशगला क्या है? हम शेर कहते हैं। आप शायर हैं? गोया कभी कभी इस चीज का नहीं कहा। गोया आप शायर हैं या आप सिर्फ शायर हैं? शायर कभी नहीं हो सकते, क्यों सवाल करें? इस वजह से, क्यों? क्योंकि इस दौर में जो पलने वाला जो शायर होगा ना, जो शेर कहेगा, मैंने हमेशा कहा है कि मैं शेर कहता हूँ, मैं शायर नहीं हूँ। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये आदाब के खिलाफ है, और ये जो है ना, ये मामला ये सरीहन बेदबी है, क्योंकि ये जो शायर है ना, ये एक मसनद है, ये एक रेड कारपेट है जिसके ऊपर इकबाल चलते हैं, गालिब चलते हैं, मुझे सब चलेगा इस कारपेट पे। आप एक शेर सुनाए, ये माइक आप पकड़े। ना ना ना, माइक ओके, माइक मैं पकड़ता हूँ, आप एक शेर सुनाए और ऐसा के भी मजा आ जाए बस। नहीं, मजे वाला शेर नहीं होगा, क्योंकि ये हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मगर ये हालत के हवाले से आपकी बात, आप सुनाए, हम उसमें कुछ इजादात नफीसा मुकाम कर लेंगे। हमारे मिर्ज़ा नौशा असदुल्लाह खान गालिब फरमाते हैं, माशाल्लाह, अहबाब चारा साजिए वहशत ना कर सके, जिंदा में भी ख्याल बियाबान नवर्द था। वाह 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 वाह, क्या बात है, इसकी ट्रांसलेट जिस शख्स को
ये इल्हाम हो जाए, ये शक्ल उस पे वारिद हो जाए कि अब उसका सिवाय कुछ नहीं उसके, हाँ, तो उसका कोई भी चारागर नहीं हो सकता सिवाय उसके। हाँ, सही बात है। फिर वो अपने कमरे के जिंदान और उसके कफस में भी बैठा है तो उसका ख्याल हर जगह घूम रहा है। वाह वाह वाह। मिर्ज़ा गालिब साहब एक और दुनिया थे, उनका शेर है, तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है मिर्ज़ा तुम्हें, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। मिर्ज़ा गालिब साहब को मैंने बहुत पढ़ा है, जिंदगी गुजर गई मेरी मिर्ज़ा साहब को पढ़ते। सदके उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। मैंने मिर्ज़ा गालिब से मेरे से ज्यादा किसने पढ़ा है? बहुत अच्छा लगा कि अब भी गालिब को पढ़ने वाले मौजूद हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। वेलकम बैक जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसलाबाद में बावजह कोरोना, बावजह लॉकडाउन, माश वही यार, एक मिनट गल सुनना फाइन है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह भाई। यार एक रजा मुराद इंडियन एक्टर ने, रजा मुराद देखे नहीं? थोड़ी उनर की शक्ल है। अच्छा जी, शुक्रिया सर। तुसी की करदे हो इथे? वैसे ही दोस्तों, तुसी रजा मुराद दे विच ना, रजा ते मुराद दे विच सिर्फ ना ला लो, ना की बनेगा भला? ना नहीं नहीं, रजा अगे ना ला के मुराद को वो भला, रजा ना मुराद। अच्छा की कर रहे थे बेटे? वैसे दोस्तों ना आए जी, चाय वगैरह भी, चाय शाय पी रहे हैं। तो लॉकडाउन है तुम्हें कोई शर्म या मास्क भी कोई नहीं? तो नहीं, मास्क है एंट्री दे वक्त। शुक्र है मेरा कोला कोई नहीं कहता, तू तुसी केड़ा पाया? मैं चक्कर सी। नहीं मास्क है। मास्क पा के आए तुसी? हां जी। अच्छा ये दसो तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 25-26 साल। 25-26 साल। वालिद साहब है ने? वालिदा। हां जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम करते हो? हां जी। शादी हुई? नहीं। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਰੇ ਵਾਲਦ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਚਾਹ ਚੂਹ ਇਹ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਮੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਆ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਤਾੜਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾੜਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾੜਿਆ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਲਦਾ ਵਾਲਦਾ ਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਬਾਹਰ ਹੀ। ਬਾਹਰ? ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਪੂਸਵਰਡ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਸੰਦ ਸੀ? ਓਕੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ? ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਆ ਹੈਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਸਮਾਨ। ਉਸਮਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਗਲੋਂ ਜੁਗਤ ਸੁਗਤ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ਜੁਗਤ ਸੁਗਤ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੁਗਤ? ਯਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰਨੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰਨੀ। ਆਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੱਲੀ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਨਾ? ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਲੱਤ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਘਰ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੀ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਣ ਦਿਓ।
कीड़ी ना रात नू आया ते आके ते कहंदा दरवाजा खड़काया ते कहंदा कौन कहंदा मैं कीड़ी कहंदा थल्लों दी आया नहीं यार अच्छी गल सी बस दा दरवाजा ला लिया घर नू सिरे 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 अब्बा जी दरवाजे बाहर खड़े कहते चलो भी चलो पैर रख पैर रख पैर रख हाँ हाँ जी हाँ जी सर तन को जुगत अच्छी जी सरा भन कैदी सी ते जेल बहुत देर तो हुई सी काफी पुरानी ते इन्होंने कहा कोई स्कीम लाई जमानत नहीं हो रही बाहर निकली है इन्हें सुरंग कर ली उथे पानी पानी हो गया इन्होंने पानी पानी थले निकल आया सुरंग कटी बाद चो पता लग गया जी भाई ने गड़ रिपोर्ट छड़े उन्होंने ਥੱਲੇ ਗਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਉਹ ਗਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਪਾੜਦੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹਾਂਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 250 ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਦਰੇ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਦਰੇ ਲਾ ਯਸ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਈ ਨੇ ਜੋਗੜ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢਲੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਯਾਰਾ ਬਾਈ ਤੇ ਆਟਾ ਆ 11 ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਆਇਓ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੋ ਦਿਓ फिर भाई ए भी दुबई गया जा कहंदा जी अरबी है कहंदा नहीं आलू ने अरबी वेखी दुबई बकरी दे वीजे ते चलेगा उथे जाके पट्ठे खान लगा मैं कहंदा बकरी दे वीजे ते नहीं सही दस एदा कीता जी मुछा अच्छा नहीं लगा भाई मूह वेख लो लख रुपए के बताऊ पकाए बूटा जी इन्हें एक जुगत मारनी है इन्हू गल करनी हाँ जी हाँ जी इन्हें घरदियों तो लड़ के ना तो ट्रेन दियाँ पटरी से जाके बह गया ठीक है तो मैं उधर कोलों लंघिया मैं कहा तू इत्थे बैठा कहिंदा यार घरदियों तो लड़ के ना मैं ट्रेन थले आके मर जाना तो मैं कहा रोटी गल ही बनी कहिंदा लै ट्रेन लेट आवे मैं भुखा मर जा हाँ जी शीशे के गिलास ना किल ठोकन मैं कहा तेरा दिमाग नहीं है दिमाग ना ठोकन लग गए एह जे बंदे ना रेल गड्डी दी पटरी दे लम्मे पै जांदे कहिंदे मैं लम्मे का तो पिया कहिंदा मैं कड़ाके कढ़वाण आया अपने ट्रेन नंगे की तो जरा कड़ाके निकल ओदे भी निकल बहुत अच्छे समुंदरी झग दी ट्रेन हुंदी है चलो लाल सर बहुत शुक्रिया थैंक यू खुश रहो उस्मान भाई ने अपने अपने फैसलाबाद की बहुत अच्छी शख्सियत बहुत बड़ा नाम है उस्ताद महमूद बांसरी वाले फ्रूट बजाते हैं उन्होंने बेटे ने अच्छा तू महमूद साहब के बेटे तो दस यार महमूद साहब बुला यार लो नाजरीन तुहानू फ्लूट सुनाने हैं साडे उस्ताद मोहतरम जिहड़े फैसलाबाद फ्लूट प्ले करते हैं महमूद साहब वो आ रहे हैं तुहानू फ्लूट भी सुनाने हैं सुना दिओ ते साडे लई मंगा लो फ्रूट ਓਏ ਫਲੂਟ ਓਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਓਏ ਫਲੂਟ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਅਜਾਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਹੱਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ ਨਾਂ अच्छा इजाज़ साहब हाँ जी माशाल्लाह तुसी फैसलाबाद की करदे फिरदे हो ऑनलाइन काम ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब आप इको जगह घर सिर्फ आप मतलब बंदे रखे हो आपे वाल वूल कट दे अच्छा बंदे रखे अच्छा वाल पाले हुण विच तुसी कटिंग मैं अच्छा कटिंग करदे हां ऑनलाइन ऑनलाइन कटिंग करदे हां मतलब किन्नी कटिंग कर लेने कोई तल्ला कला होवे तो 150 विच कट कटिंग किन्नी की मतलब नहीं कटिंग मतलब के को मसला माल गलत निकल आवे लामा आ जाए तो 2000 रुपए जगह तुसी एक मुक्की आते हो फिर जो कटिंग करके 1500 भी आ जाता है हाँ जी फिर कटिंग भी हो जाती है तो ज्यादा तल लगा लावे फ्री भी ला लेंगे फ्री भी ज्यादा तल लगा लावे तो क्या दुनिया का माल इतनी रह जाना तो जाना सही गल दुनिया का माल इतने रह जाना वा हाँ जी असि तो बिचो कमीशन लैनी होंगी है ना अच्छा इजाज़ साहब इन्हें को जुगत मारो पहले उन्हें को इन्हें को जुगत मारो ये इन्हें ना 11 बाई ले ते सनरूफ बनाता 11 बाई ते सनरूफ बनाया ये कैसा कैसा मरीज लम्मा इन्हें ना लता उत्तर कर देती होगी
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ 30 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਚ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਲਈ ਤੇ ਖਤਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਵੀ ਜਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਲੋ ਬੇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਅੱਗੇ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਹ ਗੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੀ ਸਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਵੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲਵਾਏ 11 ਬਾਈ ਲਈ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਗਈ ਆਣ ਇਹ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਛਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੋ ਝੂਠ ਯਾਰ ਝੂਠ ਨਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਧਰ ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਡਈ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਦਾਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦਾ 26,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਤੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਏ ਸੀ ਦੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਇਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਲਾਇਰੇਮ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣੇ ਮੇੜੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਯਾਦ ਇਹ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਇੰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਛੱਤ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸਾ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਲੰਬਾ ਕਿਚ ਤਾਰਜ਼ਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੌਣ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੇਬ ਕੱਢ ਲੈ ਦਰਜ਼ੀ ਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਗੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਦਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇਬ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਪ ਆ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਆ ਮੈਂ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੱਟ ਆ
तू बंदेशा यही गल की थी बेटे अगे भी इन्हें कई जगह ये गल करके रोटी खाधी उन्होंने बंदे अच्छा मैं तुम क्या ना फैसलाबाद च जट होवे बट होवे शेख होवे मलक होवे तू वटू आ हाँ जी वटू आ देखो ना हूं वटू आ जट आ लेकिन तुम ये वीडियो देख लो तुम कितों लगता होगा कि भी इन्हों का इन्हों की बरादरी का कोई इन्हों असर है नहीं फैसलाबाद का असर है सिर्फ एदा सका दादा मर गया तो रश वावा पै गया तो अपना साइकिल स्टैंड खोल लिया अच्छा यह की है मतलब तू अपने शो से आने तैयार हो गया देख लो गर्मियां भी आ पाई ढा करके पा गया फुल तैयार हो गया है जिदा प्रोग्राम देखा ब्रेक आ जाती है वह तू अपनी मर्जी ना मैं नहीं दसना तू जो मर्जी कह नादरी देख दे पहले तेन कहना फिर आजाद को खावे देख दे कौन सही कहना नॉर्मल गल है ना कोई नवी गल करना कोई ये आम गल है किसी ने भी कह दो कह देगा कोई नवे स्टाइल नवा स्क्रिप्ट असी चले हाँ थोड़ी देर लिए ब्रेक से तू उन्होंने किसी स्टाइल ना नादरी कहना कि भी तुम इतने रहना यह ना वैसे वापस आई है तो तुम 99 नंबर से पहुंचे हो चैनल से इतने ही रहना असी आए इन कुछ किसी तरीके ना कह है नहीं नहीं चल नाजरीन वक्त होया कि ब्रेक दा ये तो वही गल ना नवी गल करना कोई इहदे विच नवी गल आंडे च पाउणी दे नहीं तू शुरू तो नवी करना अब वटू दा दादा जिथे मरे सी ना साइकिल स्टैंड तो पैसे लैण चले वक्त होया कि ब्रेक दा ते हुण वेलकम बैक नादरीन प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद मैंने आपको अभी ब्रेक से पहले कहा था कि अभी हम एक हमारे फैसलाबाद के बड़े अच्छे फ्लूटिस्ट बांसुरी बजाने वाले जो हैं महमूद साहब ये आए हैं अब इनसे फ्लूट सुनते हैं साथ इनसे बातें कर रहे हैं सर एक गल दसो फ्लूट के बारे कहा जाता है जी ये उजाड़ मंगती है एक मैं लाइन सुनी है उजाड़ मंगती है तो ये पिछले की मसला है जिन्हें गल कही है पहली बारी कि फ्लूट उजाड़ मंगती है वो की कहना चाहता सी कि होंगे ये देखो जी ये तो बिल्कुल गलत गल है उजाड़ मंगती जे ये उजाड़ पैंता हो तो मैं इंडिया जाके बजा के उजाड़ पाव ये भी मैं गल आती नहीं सी उन्हें कहा यार दफा मारो कह उजाड़ जाके बैठा रहना होर आप आती आप फलूट जी उजाड़ मंगती है जिते फलूट वजदी उ खाली हो जाए भी नारकली च बहुत रश है बुढ़िया सैड तले होंगे फलूट वाले बजा के तेरा फलूट भिजवा लो तेरा थोड़ा जहाँ इतने उजाड़ पै जाएगी मतलब ये तो फिर फलूट के अला माफी तो फिर रश रुश घटाने फिर यूज हो चालीस साल हो गए फ्लूट प्ले कर अच्छा सर सानू कोई फ्लूट सुनाओ रांझा जिहड़े आशक गुजरे ने रांझा साहब यह सुनिया वंजली वजाउंदे सी वंजली भी इस तरह की एक साज हुंदा है वो सिद्धा वजदा जो भी इस तरह ही वजदा साइड नूं यानी इहदी एक किस्म आ उहनूं वंजल कहिंदे ने वंजल कहिंदे ने जात दे जट सी उन्होंने कोई 5-7-8 साल तो लगते ने ना एक अच्छी वंजली वजाउण लगे कित्थों उन्होंने सीखी होगी तुहाडे साहब नूं वो कुदर दा एक अता कीता होया चीज सी कुदर दी तखलीक कीती एक चीज सी इस वक्त तो कुदरत ने उन्हें सब कुछ दिता है उन्होंने कितना सुरदा स्केल कोमल तीवर साफ पता लगता सी उन्होंने कोमल तीवर नाल तल्ला की कोई नहीं सीगा नहीं एक साज जो आ वंजली आ वो अगर कुछ बजा रहे सी ते कोई स्केल बसुरी ते नहीं ना बजाउंदे होने
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਐਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਜਲੀ ਫੜੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੁਝ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ 100-1000 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਜ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਾਜ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਸਾਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਰੰਗੀ ਇੱਕ ਫਲੋਟ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਬਸ ਵਜਾਉਂਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੀ ਲਾਡਲਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਝਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੰਜਲੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਜ਼ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ, ਫਲੂਟ ਵੰਜਲੀ। ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜੋ ਰਾਂਝਾ ਥੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਉਹਨੇ ਵੰਜਲੀ ਬਜਾਨੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸੀਖੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਸੀਖੀ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੋ ਕਿਆ ਬਜਾਤੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਮੇਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।